हेलो जी दिंदर कौर तरफों सबनों गुड मॉर्निंग ते सत श्री अकाल ते होर सुनाओ तुसी सब ठीक हो। ते चलो मैं चल रही हाँ चाह बनाने। अज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हाँ, मैं बहुत काम किया। चलो तुम मैं दिखाती हाँ। देखो मैं अपनी किचन नू कर दिता साफ। आज बहुत बुरा हाल सी। सवेरे सवेरे दो चीटियां निकल आई सी। हूँ मैं अपने मतलब चाह रख दी है क्योंकि तुसी कल ना कोई भी चाह नहीं सी पी रहा। तो मैं फटाफट अपने वास्ते बना रही हूँ चाह। मैं हूँ नहा के फ्रेश हुई हूँ तो चलो फटाफट पीते हैं चाह। तो मैं अपने वास्ते बना ली है। कल किसी ने नहीं कहा कि मैं पीनी है। मैं सब तो पूछे सी चाह पीनी है पीनी है। चलो मैं चाह बना ला। चाह कड़ गई तो चलो चाह कर दिया बंद। तो चलो चाह पी लिया। अज मैं सवेर दी लगी हुई हाँ सवेर दी 8 बजे दी। एक चींटी का कमाल सी। एक चींटी निकल गई सी बस। चींटी देख के तो बड़े बड़े लोग डर जाते हैं। चलो मैं चाह तो ब्रेड ले दी। सुबह एक चींटी दिख गई थी चीनी में। सारी चीनी उड़ा दी। सारे घर में शोर था चींटी चींटी। अरे बेचारी क्या खाएगी। चींटी निकल के भाग गई। चलिए अज किचन दी करने डब्बे डुब्बे साफ करने हो। तो चींटी निकली सी तो अज सारी सफाई होगी। चलो लग गया किचन च। गुड मॉर्निंग। चलिए किचन जा साफ करने हैं। गर्म जगह थोड़ी है पर धीरे धीरे कर दूंगी मैं साफ। ड्रामी रह के रखते थे बड़े बड़े ना। चीनी रख लो किसी चावल रख लो दाना रख लो बड़े बड़े समान होंगे सी। बड़े वाले आशीर्वाद होंगे सी भरे रहते सी। फटाफट ना ना चमका लेने जो पीछे भी तो ऐसी मैं कली कली से जब देखी रहे तो कर दे रहे साफ। चलो मैं तुम काम करके फिर मिल रही हूँ।
ऊपर नहीं चढ़ती, चढ़ी तो फिर नीचे ही आवाँगी। मैंने निकाल दिया, इसे साफ करते हैं। इसे मैं साफ करती हूँ क्योंकि मैं इसे दिवाली पे ही चेंज करती हूँ, बार बार नहीं मैं चेंज करती इसे, तो जल्दी से मैं साफ करके उठाऊंगी। गर्म गर्म काम तो करना है, काम करने से काम हो जाएगा। काम करते घी घी निकल जाता है ना, इस से हो जाती है। बाकी कोई बात नहीं, थोड़ी देर और गर्म पानी डाल देते हैं। और आज काम करते रहना, आज कुछ नहीं और करना। तेरी लगता है कूड़े वाली आई आ रही हो, तेरे डिब्बे सूख गए हैं, तेरी अब हम इसमें रखेंगे सामान। दो चा मैं तो थोड़ा कुछ खा ली है। चलो फिर मिलते हैं, तो चाह पी के मिलते हैं। चलिए, मेरे पास ना ये सूट है तो इसे ना पहनती नहीं मैं, चलिए इसे ना मैं उधेड़ती हूँ और इसका मैं स्टाइलिश सा बैग बनाऊँगी। तो इसके नीचे मैं कपड़ा लगा के ना, ये लेस बहुत मजबूत है, तो चलिए आज इसकी करेंगे कटिंग। चलिए इसको साइज निकाल के कटिंग करते हैं इसकी ना। ले लूँगी छोटे राजमा, तो मैंने राइस रखे हैं, तो राइस तैयार होने वाले हैं, तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। इधर राजमा तैयार हो रहे हैं, रोंगी इधर राइस तैयार हो रहे हैं, तो खाना रेडी हो रहा है। हेलो, मैं आ गई किचन में, चलिए खाना तैयार करते हैं। मैंने प्याज ले लिया है, हरी मिर्ची मिर्ची इसे कट कर लेते हैं। और मैं थोड़ी सी ना थोड़ी सी मैं कर्ड ले रही हूँ, थोड़ी सी तो मैं कर्ड ले रही है। चलिए मैं बनाऊंगी कुछ चटपटा। तो चलिए प्याज और हरी मिर्च को मैं कट कर लेती हूँ। प्याज को मैंने बिग बिग कट कर लिए, तो चलिए इसे गैस जलाते हैं और मैं बनाती हूँ कट की दही की सब्जी। तो मैंने बनाई है राइस और रोंगी, साथ में चपाती साथ में बनाएंगे। चलिए मैं गैस ऑन कर देती हूँ, गैस मैंने ऑन कर दिया है। ये प्याज मैंने हरी मिर्च और प्याज कट कर लिए हैं, साथ में मैंने थोड़ी सी कर्ड ले ली है। तो चलिए मैंने इधर पैन रख दिया है, तो पैन गर्म हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं, बिल्कुल
हाफ चम्मच कर्ड वाली सब्जी ना बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए इसे ये हमारा गर्म हो रहा है तो हमें तड़के के लिए इसे थोड़ा सा घी डालना था। तो चलिए इसे तैयार करते हैं फटाफट सब्जी। तो पैन मैंने रख दिया है तो घी गर्म हो गया है। घी गर्म हो गया इसमें थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं जीरा। जीरा अच्छी तरह से कटक गया है। इसमें हमने प्याज और हरी मिर्च डाल देनी है। कर लेंगे बहुत ज्यादा नहीं भूनना है इसमें थोड़ा थोड़ा भूनना है। प्याज भून गए हैं तो इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी रेड चिल्ली, थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हल्दी, इसे भून लेंगे। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं, इसे भून लेंगे। बस इस तरह भून जाएगा तो हमने गैस को बंद कर देना है और हमने ये कर्ड को इसमें डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गैस को कर देंगे बंद तो हमारी जो दही वाली सब्जी होगी तैयार। ये हमारी दही की सब्जी तैयार हो गई है। राइस के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए खाना तैयार है। तो चलिए मैंने तवा रख लिया है तो चपाती बनाते हैं। तो चलिए चपाती बना लेते हैं। खाना तैयार है, थाली तैयार करते हैं फटाफट। और चलिए फटाफट चपाती बना लेते हैं। तवा मैंने रख दिया है। गैस तो जलाया, गैस नहीं जलाया। गैस जला दिया है तो खाना तैयार हो रहा है। भूख लगी, खाने का टाइम हो जाता है तो भूख लग जाती है। तो चलिए बना लेते हैं चपाती। सब्जी भी तैयार है। पत्ती को तैयार कर लेते हैं। इको रोटी बनानी मैं, इको मैं खानी है, इको ही बनानी है। एक चपाती साथ में राइस भी है। चपाती चपाती होगी तैयार। तो चलिए थाली तैयार करते हैं। चपाती बना लिया, इस पे लगा देंगे घी। आज मेरी रसोई भी साफ करी हुई है, अच्छा लगता है ना। साफ घर सबको अच्छा लगता है। इधर ये रूंगी तैयार है। तो चलिए इधर
राइस भी तैयार है, तो चलिए खाना डाल लेते हैं। तो चलिए मैंने थाली ले ली, तो चलिए ले लेते हैं खाना। पहले राइस निकाल लेती हूँ मैं, यम्मी यम्मी राइस तैयार है। साथ में ले लेते हैं रूंगी, वो यम्मी यम्मी, ये बहुत ही हेल्दी होती है। इसे सोयाबीन भी बोलते हैं, इसे रूंगी भी बोलते हैं, और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और गुड फॉर हेल्थ। चलिए मैंने ये भी ले ली है सब्जी, साथ में मैंने बनाई है कर्ड वाली सब्जी, ये राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं, ये राइस के साथ बहुत ही यम्मी। तो चलिए मैंने अपने लिए ये भी ले लिए, साथ में है चपाती, साथ में सैलेड, सैलेड को कट कर लेते हैं मैं, कुकम्बर सैलेड में ले लिया मैंने कुकम्बर, साथ में आलू बीन्स की सब्जी। तो चलिए थाली हो गई तैयार, तो लीजिए थाली तैयार है, साथ में आलू बीन्स की सब्जी, रोटी, राइस, कर्ड की सब्जी और है सोयाबीन, से रोंगी बोलते हैं, तो साथ में है मैंगो। तो चलिए खाना तैयार है, ओ यम्मी यम्मी। चलिए आप क्या खाएंगे, कर्ड की सब्जी, एकदम वैसे लग रहे जैसे पनीर की सब्जी। लीजिए खाना तैयार है, ओ साथ में मैंगो मैंगो मैंगो, इसमें मैंगो भी रख देते हैं थाली में। लीजिए चलिए खाइए खाना, यम्मी यम्मी, खाते हैं खाना। बहुत ही यम्मी। तो चलिए राइस भी लीजिए रोंगी के साथ, तो चलिए खाना तैयार है, खाने को फिनिश करते हैं, साथ में मैंगो है। तो चलिए खाने को ख़त्म करते हैं, फिर आपको मिलते हैं, यम्मी यम्मी।